ऐसी दुकान से हटवे को मन नहीं होता, ऐसी दुकान से हटवे को मन नहीं होता भाई। रोल आते मम्मी जो ही चाहती जो ही चाहिए अब तो ले गई थी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आस्तिक, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या ब्लॉग होने वाला है आज, तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे यहाँ सेवड़ा में जो है कार्तिक मास का एक मेला लगता है जो कि हर वर्ष लगता है। और चलिए अभी मैं आपको उसका मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ, मैं चलता हूँ वहाँ पे जाता हूँ आपको मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ और फिर अपन शाम को एक बार फिर से जाएंगे। सो चलिए चलते हैं और मेला देखकर आते हैं। अभी तो काफ़ी लेट हो चुका है मुझे, अगर मैं सुबह आता तो बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती आप लोगों को, लेकिन फिर भी देखिए आप लोग अभी भी काफ़ी भीड़ है और लोग जो है पर भी ले रहे हैं क्योंकि ये कार्तिक पर्व है। और वहाँ पर भी देखिए, उस साइड में गया नहीं क्योंकि वहाँ पर पुलिस भी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कहीं वो मना ना कर दे रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए मैं इस साइड आया हूँ। और ऐसा मानते हैं यहाँ पर मेरे यहाँ के जो कार्तिक पर्व है, इस पर्व में नहाने से जो है आपके सारे पाप जो है धुल जाते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर दूर दूर से जो है नहाने के लिए आते हैं। और अभी तो काफ़ी लेट हो गया, मैं भी नहा लेता, मन तो कर रहा है नहाने का, लेकिन अभी क्या है कोई आया नहीं है साथ में, मैं अकेला आया हूँ तो फ़ोन और कपड़े वगैरह की दिक्कत है। अभी अपन शाम को फिर से आएंगे, अपन जो है दूर से ही दिखाएंगे जो है, मैं ज़्यादा पास नहीं जाऊंगा। और ये अपनी जो है धारा, वो उस साइड से जो है मैं हमेशा दिखाता हूँ आप लोगों को, वो रहा वहाँ पे हम लोग बैठते हैं, वहाँ से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं पास से। और मान्यता ऐसी भी है यहाँ पर जो कि कहानियाँ हैं, ये जो सिंध नदी है हमारी जो तीर्थ स्थल है, वो एक रात में बन के तैयार हुआ है। अभी कितना सच है कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता, बट ऐसा मानते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा छोटा सा ब्रिज, और इस ब्रिज पे जो है अभी परसों जो है एक बहुत ही दुखद घटना जो है घटित हो गई यहाँ पर। चलिए उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में बताऊँगा आप लोगों को क्या हुआ था क्या नहीं। अभी जो है आप लोग मेले का मज़ा लीजिए, देखिए ये रहा अपना मेला, सारी दुकानें। चलिए चलते हैं मेले के अंदर, और ये अपन एंटर हो रहे हैं, ये मेन गेट है, यहाँ पर प्रशासन अपना बैठा हुआ है। और ये रही अपनी स्टेज जिस पे जो है अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं सभी के लिए ये मेला बहुत ही बड़ा है। What a view! So, मैं जो है अभी पूरा व्यू नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अकेले आया हूँ, अकेले मेले घूमने में इतना जो है एंजॉय नहीं कर पाऊंगा मैं। और शाम को आते हैं अपन,
शाम को फुल एंजॉय करेंगे और लाइटिंग भी होगी तो आप वो भी देख सकते हैं। और चलिए अभी चलते हैं, मुझे एक मॉर्निंग व्यू लेना था इसलिए जो है मैं आया यहाँ पर तो मॉर्निंग में शूट कर सकूँ और जो है मैंने दिखा दिया आप लोगों को। लेकिन चलते हैं अभी अपन घर पे और शाम को आते हैं एक बार फिर से और तब मजे करेंगे अपन। भाइयों नदी के डब्बा में कथरिया डोरा डालो लेज में ना क्योंकि जसल ना किताब। अच्छा तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग जो है शाम को जाएंगे तो अभी कुछ 5:30 होने वाले हैं और रेडी हो चुके हैं और चलिए चलते हैं और चलते हैं मेला एंजॉय करते हैं। और जायद को मैंने बुला लिया क्या का है बनिया नहीं दांत के अच्छे लग रहे हैं। अम्मी कह रही है इन कर लो इसको आउट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन अच्छी लग रही तो चलिए चलते हैं और देखते हैं लाइटिंग वगैरह कैसी क्या है। अभी तो अंधेरा होने में टाइम है लेकिन चलते हैं अपन। जैसा कि मैंने बोला था जायद हमारे साथ में आ गया है जंगल का मेला और ये हमारा किला खूबसूरत किला। अभी हम लोग इसमें भी जाएंगे क्योंकि एक शादी का इनविटेशन है जो कि जिसमें हम दोनों ही जाने वाले हैं। तो ये नए रास्ते से जा रहे हैं अपन। देखो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने 3-4 साल से जो है मैंने ज्वाइन नहीं किया है मेला तो मुझे पता नहीं था कि मेन एंट्रेंस इधर से बन गई है। अब मैं सुबह आया था तो उस वाले गेट से गया था क्योंकि पहले वहीं पर होती थी मेन एंट्रेंस लेकिन अब ये नए रास्ते से ले और मैंने ये चीज़ नोटिस भी की थी कि वहाँ पे झूले वूले कुछ नहीं लगे थे। तो चलिए देखते हैं आप इधर से। अब आ चुके हैं मेला बड़ा भी तो है बड़ा मिक्की माउस। मेन एंट्रेंस तो वही है, ये तो पीछे का हिस्सा है। और यहाँ पर जो है आप लोग देख ही रहेंगे, मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं कि किस चीज़ की दुकानें जो है यहाँ पे हैं। ये मस्त रेत में चलते जा रहे हैं मुड़ेगा नहीं। ओ कोई प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए जो है लाइटिंग लग चुकी है यहाँ पर, स्टेज रेडी हो चुका है। हाँ एंट्रेंस से और लाइटिंग वाइटिंग जो है बढ़िया कर दी गई है उस साइड। नाइट में कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे। भाई ले लो आप तो भाभी के ले लो ना भाभी होती पर का जिंदगी बदल गई होती भाई। अरमाल एक दाम है जो तो एक दाम है अरमाल 10 रुपये भाई जी ले लो जो गधा ले लो गधा गधा ले लो ये मारेंगी और भी पुलिस में मारा था लोगों खिलौना हरमाल सेल 70 रुपये बस भाई। पहले पहले कितनी मन होता है हाँ है यहाँ ऐसी दुकान से हटवे को मन नहीं होता ऐसी दुकान से हटवे को मन नहीं होता भाई रोलाते मम्मी जो ही चाहिए अब तो ले गई थी। अरे भाई 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 मम्मी जो जल्दी कपूर की दुकान क्रॉकरी बोलते हैं भाई इसको क्रॉकरी। अरे पलोटो की दुकान क्रॉकरी बोलते हैं गधे। स्पून की दुकान मास्टर साहब है ये मास्टर साहब है ये नहीं स्पून नहीं दिख रहा है स्पून की दुकान हो तो ये नहीं पता कि कप और प्लेट से क्रॉकरी बोला जाता है। जरूरी है इंग्लिश ही बोलो आओ हम तो इंग्लिश बोल। देखो ये अपनी गोल्डी की दुकान ये बोलो नहीं चीज अपने गोल्डी भाई ये गोल्डी भाई की दुकान हाँ जो है अभी भीड़ यहाँ पर इसलिए नहीं है थोड़ा सा क्योंकि कल ही उद्घाटन हुआ है। यस उद्घाटन कल ही हुआ है और अभी तो भीड़ बढ़ेगी धीरे धीरे
है रात में तो वैसे भी कम ही रहती है भीड़, क्योंकि ज़्यादातर जो है महिलाएं और बच्चे ही आते हैं, तो रात में नहीं रहती भीड़। दिन के टाइम पे जो है 12 बजे से 5 से 6 बजे के बीच नहीं भीड़ तो तब रहती है। यस भाई उधर चलते हैं, उधर उस साइड चलो। तो चीयर्स चीयर्स भाई चीयर्स। चलिए सॉफ्टी एंजॉय एंजॉय करते करते सॉफ्टी को एंजॉय करते हुए हम लोग चलते हैं, थोड़ा साइड घूम कर आते हैं। किस्मत इतनी कट्टी है मैं क्या बताऊं। आए थे लाइटिंग देखने, लाइट चली गई। अरे यार गए थे आप लोगों को लाइटिंग दिखाने, वो खवा दी हमें सॉफ्टी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है सब। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, जैसा कि बोला था इनविटेशन है शादी का, दीपा जा रहे हैं उसके लिए में ही है। ये रहा अपना किला, ज़्यादा दूर नहीं। तो ये अपन आ चुके हैं अपने किले में जो है रंग महल। आज वीडियो बना लो अपने फ्रेंड का, रंग महल नाम है जो कि यहाँ का। भाई केवल एक वीडियो बना लो। अच्छा वीडियो बना लो। दोस्त लोग जो है मिल जाते हैं। तो मैं और जाहिद जो है खाना खा के आ चुके हैं, और बहुत देर हम लोगों ने बैठे भी वहाँ पर, और अब ये जाएंगे अपने घर पे और मैं जाऊँगा अपने घर पे। चलिए चलते हैं। आ चुकी हैं घर पर, और ये मैं घर पे इसलिए निकाल देता हूँ क्योंकि बांधे बांधे क्या थोड़ा सा दर्द होने लगता है, इसलिए मैं निकाल लेता हूँ। तो आज आपने जो भी देखा आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा, और हाँ किसी को भी मेला घूमने आना हो तो प्लीज़ अभी आ जाओ, क्योंकि 10-15 दिन का ही जो है अच्छा भरा रहता है मेला, फिर धीरे धीरे दुकानें जो है ख़त्म होने लगती हैं। तो ठीक है, अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दे, और अपना अपना ख्याल रखो यार, मजे करो, सर्दियाँ आ रही हैं, खाओ पियो मस्त रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।